हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग प्रोग्रामिंग वे। ये HTML ट्यूटोरियल का 18th वीडियो है। तो गाइस, वीडियो हम देखने वाले हैं कि ऑडियो टैग क्या है, उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ऑडियो टैग के 3 फॉर्मेट हैं, MP3 है, वे है, OGG है। तो इसका यूज़ करके हम अपने ब्राउज़र पर ऑडियो की जो भी फाइल होगी उसको हम रन करा के वहाँ पर इसको डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन हो चुका है और इसमें मैंने टाइटल में ऑडियो टैग डाल दिया है। इसके बाद हम बॉडी में लिखेंगे ऑडियो टैग की जो भी टैग होगा उसका, ऑडियो का लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ऑडियो। ऑडियो लिखने के बाद इसको एंटर कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हमें उसको लिंक देना है। तो कैसे उसका लिंक देंगे हम उस फाइल का, यहाँ पर लिखेंगे सोर्स। तो सोर्स लिखने के बाद SRC लिखेंगे। यहाँ पर SRC में हमें उस ऑडियो जो हमारी फाइल है ऑडियो की उसकी हमें इसमें यहाँ पर पाथ देना है। तो हम उसको कैसे यहाँ पर देंगे, तो आइए देखते हैं हमारी पर ऑडियो कहाँ पर है। तो मैं अपने ब्राउज़र पर यहाँ पर फाइल में जाता हूँ। यहाँ पर मैंने जहाँ पर हमारा ऑडियो टैग की फाइल यहाँ पर हमारी सेव है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, उसी के सामने ऊपर जस्ट ऑडियो नाम का एक फोल्डर है। ऑडियो के अंदर एक फ़ाइल है A1 नाम से, MP3 फाइल है, देख रहे हैं आप। इसकी साइज़ है 4.14 MB की है, ठीक है। तो इसकी लेंथ आप देख रहे हैं 3.37 है। इसका नाम है A1 और ये MP3 फाइल है, ठीक है। तो इसको अपने हम उस पर प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, सोर्स में हमें लिखना है और जो हमारा फोल्डर का नाम था ऑडियो, ऑडियो लिखेंगे, स्लैश देंगे, उसके बाद जो भी हमारी फ़ाइल का नाम होगा तो उसको लिखेंगे। हमारी फ़ाइल का नाम है A1.MP3, ठीक है। इसके बाद टाइप में क्या डालेंगे, कौन सा टाइप है, ऑडियो टाइप है, ऑडियो स्लैश, उसके बाद MPEG, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लिखने के बाद इसको यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी है कंट्रोल लगाएंगे तो वहाँ पर वो उसको हम चला सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल S करके फाइल को सेव कर दिया। अब चलते हैं ब्राउज़र पर, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइटल में ऑडियो नाम लिख कर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वो ऑडियो आ चुकी है 3.37 मिनट की, ठीक है। तो अब इसको हम प्ले करते हैं। जैसे ही मैंने प्ले कर दिया, अब आप देख पा रहे हैं इसकी आवाज़ थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। आप इसकी आवाज़ चाहे तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, इसको म्यूट यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से इसकी आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए आवाज़ यहाँ से कम ज़्यादा इसकी हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो है इसको मैं यहाँ से इतना भी कर सकता हूँ, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसकी आवाज़ थोड़ा सा मैं तेज़ है तो ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कम ज़्यादा इसकी आवाज़ को कर सकते हैं और यहाँ से इसकी जो इसकी लेंथ है वीडियो की उस कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, आइए देखते हैं। यहाँ पे कंट्रोल के बाद अब हमें एक और प्रॉपर्टी, इसकी लूप। तो अगर लूप लिखने के बाद क्या होगा, लूप लिखने से ये होगा कि वो ऑटोमेटिक बार बार चलेगा, उसको हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल S करके फाइल को सेव करके चलता हूँ अपने ब्राउज़र पर। ब्राउज़र पर मैं जाने के बाद यहाँ पर इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही रिफ़्रेश कर दिया इसको, जैसे ही मैंने ओपन कर दिया, ये देखिए चल रही है। इसकी वॉइस थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, मैं इसकी वॉइस थोड़ा कम ज़्यादा कर देता हूँ, थोड़ा सा और ज़्यादा। अब इसके बाद आप यहाँ से भी इसकी साइज़ यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप इसकी, जैसे कि म्यूट हो जाए और ये ऐसे कर सकते हैं आप। लूप का मतलब ये है कि ये जैसे ही यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी इसकी, जब उसके बाद ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा, टाइमिंग जब ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैं थोड़ा सा इसको यहाँ तक कर देता हूँ, आप देखें 32 हो गया, 37 थी लास्ट, इसका लास्ट है। थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे देखें आपकी 37 हो चुका, फिर से वो स्टार्ट हो गया, मतलब इसको मैंने स्टार्ट नहीं किया, बार बार वो अपने आप चलता रहेगा। तो इस तरह से लूप काम करता है। इसकी एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है म्यूट। तो यहाँ से हम म्यूट करते हैं इसको। तो कैसे म्यूट होगा, इसको कंट्रोल S करके फाइल को सेव कर दिया और चलते हैं ब्राउज़र पर, अपने रन कराते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से कुछ दिख रहा है। जैसे मैं म्यूट को ऑप्शन करता हूँ, अब आप देखिए ये ऑटोमेटिक म्यूट हो चुका है पहले से। आप इसको म्यूट रखना चाहते हो तो म्यूट इस तरह से रख सकते हैं आप इसको। अब मैं इसको ओपन करता हूँ,
और ये देखिए आप चल रही है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ अब देखिए अब आवाज़ आ बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा ये ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएगा। तो जैसे ही ब्राउज़र ओपन कोई करेगा अगर आपने म्यूट लगाया तो वो म्यूट रहेगा, जब उसको ओपन करेगा तो वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।